Hello students, here we have sum of exercise 2.6. The sum says that the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increasing by 17 and the denominator is decreasing by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ठीक है, हमें यहाँ पे कोई नंबर दिया है, रेशनल नंबर है. ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, x अपॉन y. ठीक है, मीन्स उसमें उसके डिवीजन में भी कोई नंबर होगा हमारा. सो लेट अस सपोज दैट अवर न्यूमरेटर इज x. ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर इज greater than its numerator by 8. ठीक है, तो हम इसको x plus 8 लिख देंगे क्योंकि numerator से x 8 हमारा ज़्यादा है denominator. तो अब हमें क्या बोला है आगे, if the numerator is increasing by 17, हमें यहाँ पे 17 करना है, increasing मतलब 17 हमें ज़्यादा करना है numerator में और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको डिक्रीजिंग बाय 1, तो इट विल बी अवर 8-1. तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, हमें दिया गया नंबर 3/2. तो जो हमारा इक्वेशन है वो फॉर्म हो गया है यहाँ पे हमारा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 3/2. नाउ व्हाट कैन वी डू टू इक्वेशन, वी विल do cross multiplication. So जो हमारा 2 है वो x plus 17 से multiply होगा और ये जो हमारा x plus 7 है वो 3 से multiply होगा. ठीक है, now we have 2 in the multiply by x plus 17 and 3 multiply by x plus 7. ठीक है, अब हम इसको solve करेंगे. ये जो है हमारा पूरा 2 है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एज वेल एज 3 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बाद में 7 से मल्टीप्लाई होगा हमारा. सो हियर वी हैव 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21. ठीक है, यू कैन सी दैट 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 17 is 34 and here we have 3x, 3 into x is 3x plus 3 into 7 is 21. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम x वाले जो वेरिएबल्स है उसको साथ में लिखेंगे और ये जो हमारे नंबर्स है उसको साथ में लिखेंगे. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x minus 3x equal to 21 minus 34. ठीक है, so here we have minus x equal to 34 minus 21, it will be 6 equal to minus 13. We will cancel out minus minus from the both side, so we will get x equal to 13. So now we have denominator our x plus 17, sorry, x plus 17 अपॉन न्यूमरेटर है हमारा x प्लस 7 x प्लस 13 प्लस 17 अपॉन 13 प्लस 7 इट विल बी 30 अपॉन 20. So we can also cross verify our answer is correct or not. We will get 3/2 as answer. Here we have also 3/2. So our question means our sum is correct.